मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, बीपीसीएल बेच डाला, बीएसएनएल बेच डाला। अब आप सोच लीजिए, अगर ऐसे कंपनी को सरकार बेच रही है तो ये क्या हुआ, अपना बेशकीमती हीरा बेचने जैसा है। कि सरकार अब 74% के बजाय पूरा का पूरा बेचने के लिए तैयार हो गई है। उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। भारत देश में संकट आते ही रहते हैं, पर जब विपक्ष इन संकटों को लेकर सरकार से सवाल करता है तो मीडिया द्वारा या सरकार के नेताओं द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि वह सब राष्ट्र विरोधी हैं। तो इसका मतलब 2014 से पहले मोदी जी भी राष्ट्र विरोधी थे, क्योंकि वह भी सत्ता सरकार से तीखे सवाल करा करते थे। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने एक कविता के जरिए कसम खाई थी कि वह देश नहीं बिकने देंगे और देश नहीं झुकने देंगे। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पर आपने सुना होगा कि मोदी सरकार काफी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है या बेच चुकी है। आज हम इस पर ही बात करेंगे, सरकार किन सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है। पहले बात करते हैं बीपीसीएल की, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी निर्मला सीतारमन ने खुद दी थी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सेलेक्ट सीपीएससीज व्हिच हैव बीन अर्लियर रिकमेंडेड और अर्लियर शॉर्टलिस्टेड इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग। सो आई विल गो वन बाय वन टू नेम द कंपनीज for which this decision has been taken. Bharat Petroleum Corporation Limited, the strategic disinvestment of Bharat Petroleum Corporation Limited, of Government of India's shareholding of 53.29%. क्या BCPL घाटे में जा रही थी इसलिए सरकार इसको बेच रही है? इसकी जानकारी सीनियर पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपने शो में दी है। BPCL एक बहुत बड़ा कंपनी है, इसके पास लगभग 15,000 पेट्रोल पंप है, 33 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता रखती है, और साथ में ये जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये पूरे देश की रिफाइनिंग क्षमता का 13% है। तो आप सवाल पूछेंगे कि ऐसे कंपनी की निजीकरण करने की ज़रूरत क्या है, क्या ये बहुत ख़राब कंपनी है, क्या बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्या सरकार का पैसा इस पर बर्बाद होता है? जी नहीं, BPCL ने पिछले 5 सालों में लगभग 35,000 करोड़ का मुनाफा किया है, 19,600 करोड़ का टैक्स सरकार को दिया है और लगभग 9,000 करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया है। मजे की बात तो यह है कि यही मोदी सरकार ने 2017 में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए BPCL को महारत्न का खिताब दिया था। अब आप सोच लीजिए, अगर ऐसे कंपनी को सरकार बेच रही है तो ये क्या हुआ, अपना बेशकीमती हीरा बेचने जैसा है। अब बात करते हैं LIC की, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने LIC में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। लिस्टिंग ऑफ कंपनीज ऑन कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड इट डिसिप्लिन्स अ कंपनी एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अनलॉक्स इट्स वैल्यू। It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. ललन टॉप ने LIC की बिक्री को लेकर अधिक जानकारी दी है।
लेकिन ऐसा क्यों है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है? LIC में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, लेकिन LIC शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके लिए LIC को पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड होना होगा। अगर यह शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो मार्केट वैल्यूएशन के मामले में देश की टॉप लिस्टेड कंपनी होगी। सरकार एक एक कर सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इससे पहले मोदी सरकार IRCTC का IPO लेकर आ चुकी है। इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया था। सरकार LIC के साथ भी IRCTC जैसा करने जा रही है, यानी IPO लाएगी और अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब बात करते हैं एयर इंडिया को लेकर। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने का फैसला किया है। इसको लेकर प्राथमिक जानकारी भी साझा कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक रणनीतिक विनिवेश के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 100% और AISATS के 50% शेयर बेचेगी। इससे पहले केंद्रीय नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जारी है और अब इसके प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। I said for us it is not an option, it has to be privatized. So that is a correct picture. Now, privatization means what? Privatization means that we want to have a business entity which is doing well. But, I mean, on its own, it could make a profit also. But if you have to pay interest on an 80,000 crore outstanding debt, so obviously, no matter how much profit you make, it's not going to go towards a thing. So, we made an attempt 2 years ago. That attempt proved to be less than successful. We've learned from that experience, and it is our endeavor now that we will be issuing an expression of interest in the coming few weeks, hopefully sooner than later, and that the process of privatization will then set in. Senior पत्रकार संजय पुगालिया ने क्विंट में अपने शो में एयर इंडिया के बेचने को लेकर कुछ जानकारी साझा की थी। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि इसको बेचना राष्ट्रहित के खिलाफ है। दूसरी तरफ की राय ये है कि बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत देर कर दी, पहले ही इन्हीं आसान शर्तों के साथ आना चाहिए था और इसको बेच लेना चाहिए था। डिस इन्वेस्टमेंट जब तक सरकार नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, तब तक सरकार के गले में जो फंदा पड़ा है और खजाने की जो तकलीफें हैं, इकोनॉमी में जो दिक्कतें हैं, वो दूर नहीं होंगी और सरकार रिसोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एयर इंडिया और दूसरे कई सारे ऐसे PSUs हैं जो बड़े घाटे में चलते रहे हैं। अब बरसों से हम ये बहस कर रहे हैं कि बेचें या न बेचें, तो कम से कम सरकार साफ तौर पर बेचने के लिए मैदान में आ गई। से बना है ऑफर अट्रैक्टिव यूं बना है कि सरकार अब 74% के बजाय पूरा का पूरा बेचने के लिए तैयार हो गई है। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई थी। अक्टूबर 10, 2019 को रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दत्त ने ANI को दिए बयान में कहा था कि रेलवे 150 ट्रेन और 50 स्टेशन को प्राइवेट करने जा रही है। भारतीय रेलवे का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं हर सेगमेंट में, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाए। इसी दिशा में हम लोगों ने कई नई ट्रेन्स चलाई हैं, वंदे भारत उसमें एक है, तेजस एक्सप्रेस है और भी कई हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हैं, बहुत सारी ट्रेन्स हैं। हमारा प्रयास है कि जो और ट्रेन्स हम भविष्य में चलाएं वो और भी बेहतर हों और हर तरह के पैसेंजर्स को उसकी सहूलियत हो। कुछ प्राइवेट ट्रेन्स हमने 150 ट्रेन्स चलाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्टेशन्स को डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि कई स्टेशनों पर कार्य प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार पर निशाना साधती रही है। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की आलोचना की है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन इकाइयों का कंपनीकरण किया जाने वाला है। इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री होगी। अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन का असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की
अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार का रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई विचार नहीं है, पर ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच क्या है। प्रियंका गांधी ने भी इन सब को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। आपने देखा कि किस तरह सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। मीडिया ने इस पर तो कोई बवाल नहीं किया। आखिर सरकार इन कंपनियों को बेहतर बनाने की बजाय बेचने में क्यों इंटरेस्टेड है? मीडिया शायद ही सरकार से सवाल करे। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।